आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज इज 25 इयर्स अ सन वाज बोर्न टू देम 2 इयर्स आफ्टर देयर मैरिज द प्रेजेंट एज ऑफ एवरेज एज ऑफ थ्री ऑफ देम इज 24 इयर्स देन हाउ मेनी इयर्स इज इट्स

एज ऑफ हजबेंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ सन वॉज बॉर्न इज इक्वल टू फिफ्टी प्लस दो साल बाद दोनों की एज दो दो ईयर बढ़ जाएगी सो दैट इज इक्वल टू फिफ्टी फोर ईयर ठीक है यानी कि एट द जब वो सन का बॉर्न हुआ उस टाइम पे दोनों की एज टोटल एज दो फिफ्टी फोर ईयर्स है द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ देम द्वेंटी फोर ईयर सो यहां से ले सकते हैं टोटल प्रेजेंट एज इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ईयर एवरेज है और कितने मेंबर है टोटल थ्री मेंबर हैं हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन सो दैट इज इक्वल टू सेवेंटी टू ईयर तो ये दोनों की प्रेजेंट एज हो गई तो so यहाँ से आ जाएगी सन्स एज इज इक्वल टू सन्स एज इक्वल टू सेवेंटी टू माइनस फिफ्टी फोर ये तीनों की एज हो गई अपॉन थ्री दैट इज इक्वल टू एन अपॉन थ्री दैट इज सिक्स ईयरस सो यानी सन्स की एज है सिक्स ईयर ठीक है अब अब और जो शादी के दो साल बाद ये चिल्ड्रन हुआ था तो यानी कि अब टोटल चिल्ड्रन की एज कितनी हो जाएगी सो देयर फॉर कपल